सागर की मकरोनिया स्थित सागर स्टेट कॉलोनी में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में किया गया कार्यक्रम। नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने लिया वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा। सागर नगर की मकरोनिया स्थित सागर स्टेट कॉलोनी में आज कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से हिंदू जागरण मंच के सागर प्रमुख और बेटी बचाओ अभियान के द्वारा समाज में मिसाल पेश करने वाले जस्सी सरदार के द्वारा किया गया। साथ ही नरियावली विधायक प्रदीप लारिया द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों द्वारा अपने जीवन की परवाह ना करते हुए आने जाने वाले लोगों की सेवा जी जान लगाकर की गई थी, कोरोना काल में समाज में उनकी सेवा करने के लिए हमेशा ही यह कोरोना योद्धा तत्परता से समाज के हित में काम करते हैं। इस कार्यक्रम में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, सुशील यादव और हिंदू जागरण मंच के विभाग अध्यक्ष उमेश शराफ उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम में समाज सेवियों के साथ साथ कोरोना काल में भी पत्रकारिता के द्वारा समाज में एक बड़ा योगदान देने वाले पत्रकारों का भी सम्मान किया गया, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा, राहुल रजक, राकेश गौतम, राजेश रजक, शिवम तिवारी, एसीएन के सागर संवाददाता अभिषेक रजक का भी सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24। भाई साहब, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है कोरोना काल के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वृक्षारोपण आज जिस प्रकार हमारे देश में पानी की, हवा की, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, उस चीज को देखते हुए वृक्ष हमारे जीवन का एक अंग बन गया है और बहुत जरूरी है। इसी रूप को देखते हुए कि हमारी भारत सरकार, मध्य प्रदेश की सरकारें भी वृक्षारोपण पर बहुत ध्यान दे रही है, तो आज हम लोगों ने, सिख समाज, सिंधी समाज वालों ने, हिंदू जागरण मंच के उमेश जी भी हमारे साथ हैं, सब ने मिलकर सागर स्टेट कॉलोनी वासियों के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था, जिसमें मुख्य रूप से हमारे विधायक जी पधारे थे और उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, तो देखते हुए जीवन के लिए ये सब चीजें हम लोगों ने आज यहाँ पर करी। सम्मान समारोह भी रखा गया था। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज सेवी जिन्होंने कोरोना योद्धा में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था, अगर कोरोना योद्धा में समाज सेवी अपनी सेवाएं नहीं देते तो एक बहुत बड़ी विपदा और मुश्किल आ सकती थी। हजारों लाखों लोग जो दूर दूर से आकर पैदल अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, हमारे अहलूवालिया परिवार ने सागर के अंदर एक मिसाल कायम करते हुए पूरे सिंधी समाज को, शहर के सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर, जिसमें चंदू बुधवानी जी, उमेश सराफ जी और कपिल कसवा जी और गुरमीत गोल्डन जिम्बाले जी, वीरेंद्र माल्थोन जी, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और हम लोगों ने इसको देखते हुए उनका सम्मान करने का यहाँ पर सोचा और विधायक जी को बुलाकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। भाई साहब, आज वृक्षारोपण का कार्य किया गया है यहाँ पे, क्या कहेंगे? आज सागर स्टेट कॉलोनी और जस्सी भाई ने यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था, साथ ही कोविड के लिए जो उन्होंने कोविड योद्धा के रूप में काम किया है, ऐसी हमारी गुरु नानक और सिख समाज की समिति ने कोविड की दूसरी लहर में और पहली लहर में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उनको भोजन उपलब्ध कराया था और पहली लहर में भी जो राहगीर निकल रहे थे उनको भी भोजन उपलब्ध कराया था बड़े पैमाने पर। तो मैं समझता हूँ ये सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने भी काम किया है उनका सम्मान करने का भी सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है और आज उनका भी सम्मान था यहाँ पर। आज कॉलोनी के लोगों की मांग पर एक तो वृक्षारोपण किया गया है, दूसरा एक पार्क के निर्माण की बात आई थी, मैंने नगर पालिका से कहा है कि एक पार्क का निर्माण यहाँ पर किया जाए, साथ ही यहाँ पर और सड़क, बिजली, पानी की भी समस्या है, क्योंकि इस मामले में ये काम होना चाहिए, यहाँ के लोगों की मांग थी। तो मैंने नगर पालिका के सीएमओ साहब से कहा है कि थोड़ा इसकी चिंता कर लें और कॉलोनाइजर से और यहाँ के निवासियों से और नगर पालिका के द्वारा कुल मिलाकर जन भागीदारी के माध्यम से यहाँ के विकास की संभावना क्या हो सकती है, एक बार इनके साथ बैठक कर लें, उनको आगे हम लोग लाइनअप करेंगे। भाई साहब, आज विश्व जनसंख्या दिवस है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मांग उठती रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भविष्य उनके संज्ञान में है, उनको निर्णय लेना है, जैसा वो निर्णय लेंगे हम लोग साथ में।